subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबा। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। कौन सा दोस्तों में पड़ी फूट, कैसे पड़ी फूट, क्यों पड़ी फूट, क्या था कारण, और उससे पहले वही आपको पता ही, आपको क्या करना है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भैया साथ में बेल आइकन भी दबा देता है, जो आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमने फूट सेलेक्ट में देखा कविता कौशिक चूड़ियां पहनी हुई है, मेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, खन 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 चूड़ियां छलक रही हैं और आंखों में आंसू हैं, रो रही है फूट फूट के, और फिर ऐसे आंसू पहुंचती है, फिर वॉशरूम में जाती है, मुंह में धोती है, फिर काफी मेकअप सेट करती है, लेकिन काफी अपसेट है। मैंने कहा कि भैया ये क्या, ये तो चंद्रमुखी चौटाला को क्या हो गया, ये तो बहुत स्ट्रांग थी, ये तो पहले दिन इन्होंने बैंड बजा दिया था सबका, तो ये दो ही दिन में क्या हुआ। तो ये बात बाद में आके खुलती है कि भैया एजाज खान और चंद्रमुखी चौटाला के बीच में आ गई है दरार। तो जो है कि मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। एजाज खान और कविता के बीच में शायद से उस बात को लेके भी हो सकता है, क्योंकि एजाज खान ने कविता को नहीं सेव किया, निक्की तंबोली को सेव कर दिया, ये भी हो सकता है। तो निक्की तंबोली को बाहर निकाल दिया, कविता को रेड जोन में भेज दिया, लेकिन उन दोनों में झगड़ा जो होता है, जो प्रोमो में हमको दिखाया गया, उसको देख के बहुत हैरानी होती है। कविता कौशिक मुकर गई कि तू कब मेरा दोस्त था भाई, तूने कह दिया कि पांच छह दोस्त है, कविता एक दोस्त है, तू कब था, कब हमने टाइम स्पेंड किया, कब हम साथ में बैठे हैं। तो कविता जी तभी कहते सलमान खान के सामने, तब अंदर जाके तब आपने भी कहा कि मेरा दोस्त है, तीन बार आपने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि तू मेरा दोस्त है, बल्कि इसलिए भी आप बोलते कि आप मेरा दोस्त तो नहीं, हम इतने ज्यादा दोस्त नहीं, ठीक है इंडस्ट्री में जानते थे, ऐसा शुरू में क्लियर करते, लेकिन आपने नहीं किया। अब क्या बात हो गई कि आपने ऐसी चीजें कही, और कविता कौशिक ये कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी इस घर के अंदर किसी के साथ इक्वेशन नहीं बन रही है, बिकॉज ऑफ, लोग सोचते हैं कि एजाज की दोस्त है ये, नहीं ऐसा नहीं है कविता जी, आपका शुरू से बिहेवियर, आपने सभी के साथ पंगे लिए, सबको दुश्मन आपने बनाया, पवित्रा पुनिया को इतनी बड़ी बात की, शार्दुल पंडित के साथ पंगा ले लिया, और सबको आपने थोड़ी बॉसी ज्यादा दिखा दी, इसके लिए भी ये चीज हो सकती है मुझे लगता है। तो बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि आगे आगे चीजें कैसी होती है, कैसी गेम खेलती है, क्या पता है कविता कौशिक की हो ये भैया स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजियां भी तो बहुत बड़ी बड़ी बना के आते हैं यहाँ पे, लेकिन ये मैं देखा है कि यहाँ पे जो बहुत ज्यादा शुरू में पावरफुल बन के धमाके करते हैं तो वो बाद में थोड़े फुस हो जाते हैं। जो बंदा पेशेंस से खेलता है, शुरू में आराम से ठंडा ठंडा खेलता है और आसपास देख के ऑब्जर्व करता है, देन फिर धीरे धीरे गेम को पकड़ता है, वो एंड तक पकड़े रखता है। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये एजाज खान जो है एंड तक गेम को ऐसे ही पकड़े रखेगा। तो ये एक मैच्योरिटी की गेम होती है, ये मेरा अंदाजा है। आपका क्या अंदाजा है, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताने के लिए स्वतंत्र हैं, और बताइएगा कृपया करके गाली का उपयोग अगर बहुत ज्यादा दिल नहीं कर रहा है तो ना करें, बहुत ज्यादा दिल कर रहा है तो करने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, भर दीजिए दोस्तों, और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।